हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी शॉर्ट्स वीडियोस को लेकर के, कि जो अभी ट्रेंडिंग जैसे वीडियोस चल रहे हैं तो इस टाइप की वीडियोस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप ये साइड में देख सकते हैं कि इस टाइप से जो वीडियोज होती है, यानी शॉर्ट्स वीडियोज जो होती है, यदि ऐसे वीडियो यदि आपको क्रिएट करना है, फेसलेस जो वीडियोज है ऐसे यदि क्रिएट करनी है आपको, तो कैसे करेंगे, पूरा ट्यूटोरियल जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, ए टू जेड सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ऐसे वीडियोस बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वीडियो आपको देखने मिल रही, तो इस टाइप से आपको सीन यदि क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसे एसेट्स वगैरह जो है यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा टाइमलाइन पे, देन इसके बाद में इस टाइप से सीन क्रिएट करूंगा। अब मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो का यदि लाइक एम यदि आप 500 कंप्लीट कर देते हैं तो ये एसेट्स का बंडल, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ ये सारे एसेट्स किस टाइप से आपको यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ इस टाइप से पूरे के पूरे जो एसेट्स हैं, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे एसेट्स हैं और ये बहुत ही हाई क्वालिटी में आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी एसेट्स को मैं ओपन करूंगा यहाँ पे, तो ये बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी में आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो यदि आपको ये पूरे एसेट्स का बंडल चाहिए है तो आपको सीधे कमेंट में आपको टाइप करना है एसेट्स, और यहाँ पे आपको जो लाइक एम है कंप्लीट कराना है आपको 500 लाइक्स। तो यदि आप 500 लाइक्स पूरे करा देते हैं तो ये सारे एसेट्स जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। गूगल ड्राइव की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन जब लाइक एम कंप्लीट होगा तभी लिंक मिलेगी। एंड दूसरा ऑप्शन ये फ्रेंड्स कि यदि आप ज्वाइन करते हैं मेंबरशिप, तो जो कि आपको सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल से आपको ज्वाइन का बटन देखने मिल जाता है यूट्यूब चैनल पे, तो यदि वहां से आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो डायरेक्टली अभी आप लोग जो है वहां से इस बंडल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लिंक डायरेक्टली आपको वहां से मिल जाएगा, तो आपको फिर वेट भी नहीं करना पड़ेगा। यदि आपको फ्री में चाहिए है तो फिर आपको 500 लाइक्स का एम जो है वो कंप्लीट कराना होगा। तो हमको ये सीन क्रिएट करना है, तो ये सीन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो वो चीज हम देखेंगे यहाँ पे। तो हमको सिंपल करना क्या है कि यहाँ पे हमको इस टाइप का कोई एसेट्स देखना है, कि मैं यहाँ पे ले लेता हूं ये वाला करेक्टर, ठीक है। तो इस करेक्टर को हम इंपोर्ट कर लेते हैं या फिर हम इस करेक्टर को ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इस करेक्टर को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं तो साइड में यहाँ पे जो करेक्टर है यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है। तो सिंपल हम इसको जो है यहाँ पे स्केल करके देख लेंगे, तो ये देखिए, तो ये हमारा करेक्टर जो है यहाँ पे आ चुका है। अब हमें पूरा सीन एज इट इज वैसा ही क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे कि लुक वाइज जो है हमें एज इट इज ऐसा ही लुक आ जाए देखने में। तो हमको यहाँ पे बहुत सारी चीजें करनी है, तो छोटी छोटी डिटेल्स पे आपको काम करना है, तो वो सारी चीजें आप प्रॉपर नोटिस करके चलिए, स्किप मत करिए वीडियोस, बिकॉज क्योंकि यदि आप स्किप कर देंगे तो किसी भी इंपॉर्टेंट पार्ट को आप मिस कर देंगे, तो आप एज इट इज ऐसा रिजल्ट नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको एक ग्रेडियंट लेना है, तो हम यहाँ पे एक सॉलिड ले लेंगे, सॉलिड कोई भी कलर का होगा, तो आप इसको जो है यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे कि इसको नाम देता हूँ मैं बीजी, एंड इस पे हम डाल देते हैं रैम, तो यहाँ पे ग्रेडियंट रैम हम डाल दे रहे हैं। देन इसके बाद में आपको कलर चूज करना है कि कलर आपको किस टाइप से लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे कलर जो चूज किए गए हैं तो वो थोड़ा सा ऑरेंज टाइप के कलर यहाँ पे चूज किए गए हैं। आप चाहे तो एज इट इज आपको रिजल्ट चाहिए तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ, ये देखे इस सीन का मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा इस इमेज को इंपोर्ट कर लूंगा। अब आप एज इट इज जो है सेम रिजल्ट ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, अब आपको जाना इफेक्ट कंट्रोल पैनल पे, अब आपको जो डार्क पार्ट है डार्क पार्ट चूज कर लेना है, एंड आपको जो ब्राइट पार्ट है ब्राइट पार्ट चूज कर लेना है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से रिजल्ट आप सेम ला सकते हैं। अब आपको जो है यहाँ पे रेडियल चाहिए या फिर आपको लीनियर चाहिए, जो रैम्प हमने क्रिएट किया है वो चीज आपको देखनी है। तो सिंपल हम जैसे कि यहाँ पे क्रिएट करें इसको, रखते हैं पॉइंट को और इस पॉइंट को इधर रखते हैं, एंड इसको स्वैप कर देंगे, तो ये देखिए कुछ इस टाइप का रिजल्ट आपको देखने मिल जाता है। तो जो कि बैकग्राउंड पे आपको जैसा भी चाहिए वैसा आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड पे हम डार्क ही रखेंगे, तो फिलहाल के लिए हम इसको जो है डार्क पॉइंट चूज कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने डार्क पॉइंट चूज कर लिया है और इसको हम स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने स्वैप कर दिया इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो बैकग्राउंड है वो क्रिएट कर लिया है। अब फिलहाल के लिए हमें जो यहाँ पे एसेट्स हमारा उसको हम ऊपर लेकर आएंगे, तो बैकग्राउंड को नीचे रख देंगे और ये हमारा ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे जो कलर टोन है वो मैच नहीं करे, कलर टोन मैच कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि यदि आपकी कलर टोन यदि मैच नहीं करेगी, जितने भी एसेट्स आपने यूज किए हैं आपके कंपोजिशन में, तो यदि वो कलर यदि मैच नहीं करेंगे तो वो बहुत ही गंदा लगेगा देखने में। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी कलर टोन मैच कराना है। तो कलर टोन मैच कराने के लिए जो इमेज है हम इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे जिसका नाम है ट्राइटोन, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्राइटोन डालेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ट्राइटोन आपको देखने मिल जाएगा। तो अब यहाँ से हम इसका जो कलर है वो मैच कर
कराएंगे। अब कैसे मैच कराएंगे, तो जो आपको यहाँ पे तीन कलर देखने मिल रहे हैं, तो जो मिड टोन है तो मिड टोन का कलर को हम लेंगे और यहाँ पे हम इस टाइप से जो कलर है वो हम इसको मैच करा देंगे। तो ये देखें कुछ सिमिलर कलर जो है हमने यहाँ पे मैच करा दिया है, जो कि हमारे बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा मैच कर रहा है। अब आप चाहें तो यहाँ पे जो कलर चाहें वैसा कलर चूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको ब्राइट कलर चाहिए तो आपने ब्राइट कलर चूज कर लिया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा मैच कर रहा है। तो ये चीज हमको नोटिस करनी है। देन इसके बाद में हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे आप यदि नोटिस करोगे यदि वीडियो में, तो जैसे कि मैं वीडियो का कोई भी पार्ट आगे करता हूँ, ठीक है, तो जैसे कि अब आप यहाँ पे देख रहे हो तो किसी भी वीडियो में यहाँ पे ये देखो एग्जैक्ट यही सेम आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो ये वाला सीन जो है एग्जैक्ट आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो इस वीडियो में आप देखोगे तो यहाँ पे एक ग्लो टाइप से देखने मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक ग्लो डालना है, तो इस इमेज पे हमको यहाँ पे ग्लो डालना है, तो हम इसमें डालेंगे डीप ग्लो, ठीक है। तो ये हमने डीप ग्लो डाल दिया। डीप ग्लो यदि आप लोगों के पास में नहीं है तो आप लोग को करना क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने बनाए हुए हैं इंस्टाग्राम पे ऊपर, है ना, तो डीप ग्लो के ऊपर भी आपको एक शॉर्ट देखने मिल जाएगा जहाँ पे आप यदि कमेंट करोगे तो वहाँ पे आपको वो डाउनलोड लिंक आपको देखने मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हमने प्रोवाइड किया हुआ है। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा जो ग्लो है ये आ रहा है, तो सिंपल हमको करना क्या है कि यहाँ पे आकर के 0.2 कर देंगे हम यहाँ पे, तो इसका जो ग्लो रेडियस है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं काफी अच्छा जो है यहाँ पे हमारा जो ग्लो रेडियस है वो एडजस्ट हो गया है। यदि आपको ज्यादा लग रहा है 0.1 कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे मैनेज कर लेना है। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको एक एज देखने मिल रही है, ठीक है। तो यदि इस एज को यदि आपको हटाना है तो सिंपल आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो ग्लो वाला इफेक्ट है इसको कट कर दो आप, और सिंपल यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसको प्री कॉम्प कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने प्री कॉम्प कर दिया है, ठीक है, और इसको मूव ऑल एट्रीब्यूट्स में क्लिक करके यहाँ पे आपने सिंपल कर देना है और देन कंट्रोल वी कर दोगे इसमें। तो अब देखो यहाँ पे कोई भी जो एज थी वो नहीं दिखाई दे रही, और आपका प्रॉपर जो सब्जेक्ट है वो प्रॉपर ग्लो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना। अब यहाँ पे आप देखोगे पीछे के साइड पे यहाँ पे वाला सीन हम आ जाते हैं। इस सीन में यहाँ पे पीछे के साइड पे देख रहा हो कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ। तो एग्जांपल के लिए हमें यही यदि चाहिए है तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम सेम टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो सिंपल हमको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देंगे हम, ठीक है। ये टेक्स्ट हमने ले लिया, सभी को यहाँ पे अपर केस कर देंगे हम, एंड यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे हम कि इसको यहाँ पे अपर केस चूज कर देंगे टेक्स्ट को, एंड इसके जो साइज है वो थोड़ा छोटा कर देंगे हम, एंड इसको सेंटर लाइन करना है तो यहाँ पे सेंटर लाइन कर, और साइज थोड़ा और छोटा कर देंगे हम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और टेक्स्ट हमको ऐड करना है हार्ड, ये टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब सिंपल हमको करना क्या है, इसका जो साइज है वो हमको बढ़ा देना है। ये हम जो साइज है इसका इंक्रीज कर दिया, और इसको भी हम सेंटर लाइन कर देंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा हमें इसको नीचे कर देना है तो सिंपल इसको हम नीचे कर देंगे। एंड इसका जो कलर है हमको कलर जो है इसका रेड चाहिए, तो सिंपल हमने क्या किया इसका रेड कलर चूज कर दिया। अब रेड कलर के बाद में इसमें भी हमको ग्लो डालना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे इसमें हम डाल देंगे ग्लो, तो यहाँ पे भी हम डीप ग्लो डालेंगे, एंड इसकी जो इंटेंसिटी है इसको कर देंगे 0.2, ठीक है। तो ये देखे काफी अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ पे, और इसमें डालना है हमको ड्रॉप शैडो। टेक्स्ट पे जो है इफेक्ट काफी अच्छा है, प्रॉपर उभर करके आए टेक्स्ट हमारा, तो इसलिए डीप ग्लो डालना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम इसका जो डिस्टेंस है वो कर देंगे 10 और सॉफ्टनेस कर देंगे यहाँ पे 50, ठीक है, जो कि काफी अच्छा यहाँ पे इफेक्ट ला करके दे रहा है। अब सेम चीज हमको क्या करना है, डीप ग्लो को हम जो यहाँ पे ड्रॉप शैडो हमने डाला हुआ है इसमें, तो ड्रॉप शैडो को भी हमको करना क्या है कॉपी कर लेंगे और नीचे वाले टेक्स्ट में डाल देंगे ये वाले, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी हमने डाल दिया है, तो ये भी काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको यहाँ, ठीक है। अब टेक्स्ट की साइज यदि थोड़ा सा आपको इंक्रीज करनी है तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 100% को इसको आप बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पे ये इस टाइप से थोड़ा सा टेक्स्ट जो आपका बढ़ जाएगा, तो 125 कर देता हूँ मैं, तो जो कि बहुत अच्छा लगेगा देखने में, तो 125, तो ये बहुत सही लग रहा है देखने में। तो इस टाइप से जो है आप यहाँ पे डिजाइन जो है क्रिएट कर सकते हो। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट है अब इसके ऊपर जो है यदि आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो इफेक्ट है यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है देखने में, बट अभी हमारा उतना सही नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को और अच्छा बनाने के लिए हमको यहाँ पे अब डिटेल्स ऐड करनी होगी, ठीक है। तो सीन में डिटेल्स कैसे ऐड करनी है, तो सिंपल आपको यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर ले लेनी है। एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, इसमें हमको डालना है फास्ट बॉक्स ब्लर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया यहाँ पे फास्ट बॉक्स ब्लर, और यहाँ पे इसका जो वैल्यू है हम ब्लर रेडियस जो है यहाँ पे हम 2 कर देंगे, और यहाँ पे देखेंगे काफी अच्छा ब्लर देखने मिल रहा है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लर आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो इसके लिए सिंपल हम इसको 1 ही रहने देंगे। अब 1 में काफी अच्छा लुक आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहा है, तो सेकेंड जो इसकी वैल्यू है इसको हम कर देंगे 2, हमको बहुत ज्यादा नहीं करना है, तो यहाँ पे हमने इसकी 2 वैल्यू कर दिया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी डिटेल्स है, यदि आप देखोगे तो ऑन ऑफ करके यहाँ पे बहुत ज्यादा शार्प है, बट अब यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मूथ लुक आपको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे इसको हम रीनेम कर देंगे, तो यहाँ पे कर देंगे इसको ब्लर, एंड दूसरी एडजस्टमेंट लेयर लेंगे यहाँ पे हम, तो एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे दूसरी लेंगे और इसको यहाँ पे कर देते हैं हम टेक्सचर, बट अभी टेक्सचर इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, पहले हमको चाहिए यहाँ पे ऊपर के साइड में एक ग्रेडियंट चाहिए, तो हमने यहाँ पे रेड कलर चूज कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है, सॉलिड लेने के बाद में यहाँ पे जो इलिप्स टूल है कंट्रोल बटन को क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक कर देना, तो एक मास्क क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे मास्क क्रिएट होगा तो आप इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे इसमें फेदर बढ़ा देना, तो सिंपल मैंने यहाँ पे इसका जो फेदर है वो यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से हमने फेदर बढ़ा दिया है, समथिंग हम 300 कर देंगे इसको। अब 300 करने के बाद में आपका इसका जो कलर है वो कलर चूज कर सकते हैं, जिस भी कलर को आपको करना है, तो सिंपल आपको यहाँ पे इसमें फिल अप्लाई कर देना है, ठीक है।
है, जैसे आप फिल अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से इसका जो कलर है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले लूंगा यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा डार्क कलर ले लिया मैंने। एंड इसका जो स्केल है वो हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसका, तो इसको कर देंगे हम 110, ठीक है, ये स्केल हमने थोड़ा सा कर दिया। एंड इसकी ओपेसिटी हम थोड़ा सा कम कर देंगे, समथिंग मैंने यहाँ पे 70 कर दिया। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, तो बहुत ही अच्छा लुक आपको ओवरऑल देखने मिल रहा है। और आप चाहे तो स्केल थोड़ा सा और इसका बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 115। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे आपको टेक्सचर ऐड करना, तो टेक्सचर के लिए हम जो है इसको ऊपर रख लेंगे टेक्सचर को। एंड इसमें अब हम अप्लाई करेंगे ग्रेन, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एड ग्रेन करके जो इफेक्ट है ये देखने मिल जाएगा। तो सिंपल इसको आपको अप्लाई कर देना, तो जैसे आप अप्लाई करोगे तो आप देखोगे सेंटर पे आपको एक स्क्वायर देखने मिल रहा है, तो इस स्क्वायर बस में आपको जो इफेक्ट है वो चीज दिखाई दे रही है। बट आपको इसको सही करना है तो आपको इसको सिंपल करना क्या होगा, जो व्यू मोड है व्यूइंग मोड, तो यहाँ पे आप इसको फाइनल आउटपुट में आप क्लिक कर दोगे। तो जैसे आप फाइनल आउटपुट में क्लिक करोगे तो आप देखोगे बहुत ही अच्छा जो ग्रेन है ग्रेन्स है वो आपको देखने मिल जाएंगे पूरे ओवरऑल सीन पे, ठीक है। तो अब आपको जितना भी ये चीज देखने में अच्छी लग रही है उसके अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पे सेट करना है। बट यहाँ पे इसकी जो इंटेंसिटी है इसकी इंटेंसिटी को हम यहाँ पे कम करेंगे, तो सिंपल हमको आ जाना है यहाँ पे, हम इसको कम करने के लिए सिंपल हम क्या कर देंगे 0.50 कर देंगे, ठीक है, जो कि अब देखने में काफी अच्छा लग रहा है। तो यदि आप देखोगे तो पहले जो है बहुत ज्यादा प्लेन दिख रहा था, बट अब यहाँ पे ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस चीज को आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना है। तो इस टाइप से आपको जो है कोई भी सीन को क्रिएट करना है तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। अब जो बीजी है तो बीजी को यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, जो है जितना ज्यादा हार्ड डार्क करना है तो आप यहाँ पे डार्क कर सकते हो कलर वगैरह चूज करके, और जितना ब्राइट करना आप उस हिसाब से ब्राइट कर सकते हो। तो ये आपको ओवरऑल जो थीम है वो आपको इस तरीके से क्रिएट करनी है। एंड इसके बाद का जो एनिमेशन है वो एनिमेशन जो है आप यहाँ पे कई सारी टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे 3D यूज कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे जो है नल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एनिमेशन के लिए आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे आपको जो डिटेलिंग वाले पार्ट था, तो डिटेलिंग के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से चूज करनी है। आप चाहें तो यहाँ पे जैसे कि हमने उसमें देखा था, जैसे कि मैं एक इमेज दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड करके, जैसे कि मैं यहाँ पे विंडो डाल रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ डिटेल्स, जैसे कि ये इमेज है, ठीक है, या फिर ये इमेज है। इस इमेज को मैं क्या करूंगा यहाँ पे डाउनलोड कर लूंगा, मैंने यहाँ पे इस इमेज को डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, इस इमेज को मैं इम्पोर्ट कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इमेज है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे सेम लुक देने के लिए, जैसे कि उसमें आपने देखा था, ये मैंने सेम लुक देने के लिए इसको मैं बीजी में लेकर के बीजी के ऊपर जस्ट लेकर के आऊंगा। एंड यहाँ पे इसका जो ब्लेंडिंग मोड है यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए ब्लेंडिंग मोड मैंने चेंज कर दिया है, तो अब देखिए कितना अच्छा लुक आपको ओवरऑल देखने मिल जाता है। तो ये कुछ इसी टाइप का लुक आपको यहाँ पे ओवरऑल देखने मिल रहा था, तो यहाँ पे आप ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड पे लुक आ गया। तो जैसे कि हम वीडियो में देख रहे थे कि यहाँ पे भी आपको पीछे ग्रिड टाइप से दिखाई दे रही है, यहाँ पे देख रहे हैं आप जैसे ग्रिड टाइप से दिखाई दे रही है, तो ऐसा लुक लाने के लिए सिंपल आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज और कर सकते हैं, लाइक जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एडजस्टमेंट लेयर ले ली, अब मैं इसमें डाल दूंगा विनेट इफेक्ट, तो सीसी विनेट जैसे मैं डालूंगा, ये देखिए काफी अच्छा विनेट जो आपको यहाँ पे देखने मिल गया। अमाउंट को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कितना आपको चाहिए, लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, तो एक बहुत ही अच्छा एक विनेट जो है आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो ये सारे जो एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स मैंने यहाँ पे यूज किए, ये सारी चीजें आप लोगों को वो फोल्डर पे देखने मिल जाएगा। तो सिंपल आपको या तो लाइक एम 500 आप जल्दी से कंप्लीट कर दो, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप जो सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल से जो ज्वाइन बटन है यूट्यूब में, तो वहां पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी मेंबरशिप, जहां पे आपको इसका जो पूरा कंप्लीट बंडल है वो देखने मिल जाएगा। और आगे की जो प्रोसेस है, अब इसको जो कंटिन्यू आगे हम एडिट कैसे करेंगे वो सारी जो है, अब ये पूरा सीरीज चलेगी एक पूरा है ना, कि इसको एनिमेट कैसे करना है और चीजें कैसे ऐड करनी है इसके अंदर, वो सारी चीजें जो है मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसीलिए आप लोग जो है पार्ट 2 कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 लेकर के आऊंगा। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर लेकर के आऊंगा। और ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी, तो यदि आप लोग देखना चाहते हो सीरीज को कंटिन्यू, तो मुझे कमेंट में लिख देना पार्ट 2, मैं बहुत ही जल्द जो है इसका पार्ट 2 लेकर के आऊंगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इसको एनिमेट कैसे करेंगे हम, किस तरीके से इसमें जो है और चीजें ऐड करें और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए हम इसमें और क्या कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।